हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए और आप हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कादर खान जी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि कादर खान जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। 16-17 हफ्ते से वो कैनेडा के एक अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। इस खबर को सुन के बॉलीवुड में काफ़ी हलचल है। गोविंदा से लेके सलमान, अमिताभ बच्चन जितने भी हैं, सभी ने काफ़ी शोक जताया है, सभी को काफ़ी दुख हुआ है। क्योंकि कादर खान जी एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि गोविंदा की काफ़ी पिक्चरों में कादर खान का बहुत बड़ा रोल रहा है। कादर खान जी बहुत ही उम्दा एक्टर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिक्चरों में एक्टिंग भी की है। करीबन 300 से ज़्यादा पिक्चरें उन्होंने बनाई हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे और जिन जिन पिक्चरों में वो रहे हैं वो पिक्चरें हिट गई हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कादर खान जी कितनी बड़ी हस्ती थे। उनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग इतना तो खुद ही जानते हैं कि कादर खान जी कितनी बड़ी हस्ती थे। गोविंदा ने भी शोक जताते हुए कहा है कि कादर खान जी मेरे लिए बहुत बड़े चीज़ थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है मुझे। ज़िंदगी कैसे जीते हैं वो चीज़ें सिखाई है मुझे, एक्टिंग कैसे करते हैं, एक एक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे। तो गोविंदा जी को भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है, सलमान खान को भी काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है और भी जितने भी एक्टर्स हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि उनके बीच से बहुत ही उम्दा कलाकार उनको छोड़ के चले गए हैं। और काफ़ी कम लोगों को ही पता है कि अमिताभ बच्चन को भी एक्टर बनाने के पीछे उन्हीं का हाथ था। आज जो इतने वो पॉपुलर हैं, जितने वो बिग बी के नाम से जो जाने जाते हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कादर खान जी का ही हाथ था। उन्होंने ही उनको इसी मुकाम पे लाके खड़ा करा है। स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था अमिताभ बच्चन को। तो ये सारी चीज़ें कादर खान जी के बारे में थी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, बस हमारा एक ही काम बनता है कि उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप ये नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।